जूस दे गया, मना नहीं कर सकते थे। दिस इज अ लो डेंसिटी प्रोजेक्ट, वगैरह भी देखेंगे। उसके बाद रूफ टॉप एमिनिटी, रिकॉर्ड्स फाउंड, मतलब कि प्रोजेक्ट सेफ है, टाटा का लैंड है। आई वेलकम यू टू द ह्यूज ह्यूमंगस ह्यूमंगस साइज, अमेजिंग राइट। आपके जो बेडरूम्स है, दो उस तरफ में रहेंगे, दो इस तरफ में रहेंगे। लुक एट द फर्नीचर, लुक एट द बेड, 2 feet ऑफ वार्डरोब स्पेस। सो दिस इज अ वॉकिंग वार्डरोब स्पेस, स्पा लाइक बाथटब वाला वॉश, एक्स्ट्रा सेकेंड बालकनी। 3 BHK का डिफरेंस बता देता हूँ, कोडी रावत के आसपास के एरियाज को टारगेट कर रहे हैं, निगड़ी। सो दिस इज अ वेरी गुड प्रोडक्ट। बहुत टाइम से मैंने एक अपना ओपिनियन ही दिया है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू रिजॉल्व, ओह सॉरी, वेलकम टू द प्राइड ऑफ चिंचवाड़ा। सो आज मैं चिंचवाड़ में आया हूँ और आपके लिए 3 and 4 BHK बड़े कारपेट का फ्लैट, मतलब प्रेजेंटेशन लेकर के आया हूँ। सो जैसा आप देख रहे हैं, ये अरे चलो ठीक है, जूस दे गया, मना नहीं कर सकते थे। ओके, कमिंग बैक टू द प्रोजेक्ट। सो वी हैव गॉट दिस 2 acres ऑफ लैंड पार्सल, जिसमें आपके 3 towers हैं, टावर ए, बी, सी। बी और सी इन्होंने गुड़ी पाड़वा में लॉन्च कर दिया था, सिर्फ ए टावर अभी इनको कुछ दिनों में लॉन्च करना है। दिस इज़ अ लो डेंसिटी प्रोजेक्ट, यानी कि हर टावर में आपके सिर्फ 60 units है, टोटल 180 units रहने वाले हैं। क्योंकि लग्जरी सेगमेंट का प्रोडक्ट है, तो थोड़ा सा इन्होंने बहुत डिफरेंट डिज़ाइन किया है, और फ्लैट का लेआउट चाहे 3 BHK लो, 4 लो, 4.5 लो, लेआउट सिमिलर है। चेंजेस क्या है वो तो सैम्पल पार्ट में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। तो हमेशा की तरह वीडियो को 3 parts में डिवाइड किया हुआ है। पहला मैंने आपको प्रोजेक्ट का थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन दे दिया, और भी कंटिन्यू करूँगा, वगैरह भी देखेंगे, थोड़ा सा बाहर जहाँ कंस्ट्रक्शन साइट है वो भी देखेंगे, एंड फिर फाइनली सैम्पल पार्ट देखेंगे विद ऑल द डिफरेंस। प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन मैंने देना चालू कर दिया था, सो कमिंग बैक टू दैट। सो दिस इज़ योर एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट, एज यू कैन सी, दिस इज़ योर एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट। फ्रंट में आपके कमर्शियल शॉप्स हैं, टोटल 8 commercial shops रहेंगे। ये एमिनिटी का पार्ट है, लेकिन ये रूफ टॉप एमिनिटी है। उन्होंने बेसिकली यह दिखाने की कोशिश की है कि आपका रूफ टॉप एमिनिटी सामने से कैसा दिखेगा। सो टोटल टावर ए, टावर बी, टावर सी, जो भी कॉर्नर के यूनिट्स आप देख रहे हो, वो सारे के सारे 4 BHK या 4.5 BHK हैं। तो ये टोटल 3 sides ओपन रहने वाले हैं, चाहे आप टावर ए की बात करो, चाहे टावर सी की बात करो। मिडिल के जितने भी ऑप्शन हैं वो 3 BHK के ऑप्शन रहेंगे। कॉन्फ़िगरेशन में मैं बाद में आता हूँ, सबसे पहले मैं आपको टावर का हाइट बताता हूँ। 20 floors का आपका टावर का हाइट रहेगा, 21st floor में आपका एमिनिटी रहेगा, ग्राउंड फ्लोर में एमिनिटीज रहेगा, और इस तरफ में भी आपका क्लब हाउस। जस्ट हैव अ लुक एट दिस बिग साइज ऑफ क्लब हाउस, 2 levels का क्लब हाउस विथ योर लॉन एरिया, गार्डन एरिया। तो कितना बड़ा एमिनिटी स्पेस आपको यहाँ पे मिल रहा है, तो एंजॉय। लो डेंसिटी है, तो हर कोई एमिनिटी प्रॉपरली यूज़ भी कर पाएगा। उसके बाद रूफ टॉप एमिनिटी है, तो बेसिकली वो रेप्लिका इन्होंने यहाँ पे सेट कर दिया है। तो रूफ टॉप में क्या एमिनिटीज मिल रही है, वो सारी की सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पे डिस्प्ले करने की कोशिश की है। वी आर टॉकिंग अबाउट इन्फिनिटी स्विमिंग पूल, वी आर टॉकिंग अबाउट बार यूनिट एट द रूफ टॉप, वी आर टॉकिंग अबाउट थिएटर, बिग स्क्रीन दे आर प्रोवाइडिंग एट द रूफ टॉप, सो विथ सेटिंग अरेंजमेंट। तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर जो प्रोवाइड कर रहे हैं, साइड पे आओ तो क्लियर अपनी आपको समझा पाएंगे। अब हम थोड़ा सा रेरा समझ लेते हैं, तो जब तक मेरा जूस खत्म होगा आप रेरा समझ लो, और उसके बाद लोकेशन दिखा करके हम कहते हैं सीधे सैम्पल फ्लैट में जाएंगे और सारी डिटेल्स पे समझेंगे। तो चलिए फटाफट रेरा समझ लेते हैं। कहते हैं रेरा की वेबसाइट में लॉगिन करेंगे, इसके प्रोजेक्ट की डिटेल्स को इन डेप्थ समझ लेंगे। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, maharera.maharashtra.gov.in पे हमको जाना है, और आपका ये पोर्टल ओपन हो जाएगा। बेसिकली आप प्रोजेक्ट का नाम iTrend डाल करके भी सर्च कर सकते हैं, तो यहाँ पे रिजल्ट सामने दिखेगा, या फिर आप इसके प्रोजेक्ट के कोड को भी डाल करके इसको सर्च कर सकते हैं। रिजल्ट बेसिकली सेम ही आएगा, क्योंकि अंदर जा करके हमको सर्टिफिकेट्स ही चेक करने हैं, लिटिगेशन एंड एवरीथिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको एक्सप्लोर करना है। तो जिस दिन मैं इसका वीडियो बना रहा था, तो हमें एक प्रॉब्लम फेस करने को मिली कि जब हम व्यू डिटेल्स पे क्लिक करते हैं, जो मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखा है, तो साइट मेंटेनेंस में थी। तो अगर आपको भी इन्फॉर्मेशन निकालनी, और अगर ऐसी प्रॉब्लम कुछ फेस कर रहे हैं, तो इसके ऊपर हम डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, इसलिए भी ये वीडियो बनाना मेरे लिए इंपॉर्टेंट था। तो हम क्या करेंगे, हम बैक जाएंगे अपने सर्च पेज पे, और हम व्यू ओरिजिनल एप्लीकेशन को क्लिक करेंगे। सर्टिफिकेट में जाने के बाद आपको सर्टिफिकेट तो दिख ही जाएगा, बट इन डेट डिटेल ओरिजिनल एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद ही आएगी। तो हम क्या करेंगे, हम व्यू ओरिजिनल एप्लीकेशन पे जाएंगे, और वहाँ पे मैंने ऑलरेडी पेज ओपन करके रखा है, तो डॉक्यूमेंट फॉर्म में ये सेम चीज़ ओपन होगी जो आपका वेब पेज में ओपन होता है। तो ये
ऑलरेडी मैंने ओपन करके रखा है और इसको डाउनलोड भी करके रखा है, क्योंकि यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करना और इसको स्क्रॉल करने में काफ़ी प्रॉब्लम आएगी। तो चलिए मैंने डाउनलोड करके रखा है, तो सीधे हम उधर जाते हैं और इसको चेकआउट कर लेते हैं। तो सेम उसी फॉर्मेट में जैसे आपको वेब में मिलता है, आपको सेम उसी फॉर्मेट में ये एप्लीकेशन मिलेगा। डाउनलोड करके रख लीजिए अगर आपको फ्यूचर में इसको रेफ़र करना है तो, ये आपके काम भी आएगा। तो इसमें क्लियर दिखेगा कि कौन सा डेवलपर है। तो यहाँ पे साहिल लैंडमार्क प्राइवेट लिमिटेड आपको क्लियर कट यहाँ दिख रहा होगा। सो अब आगे की तरफ चलेंगे और देखेंगे इसमें कितने पार्टनर्स हैं। तो यू कैन क्लियरली सी देयर आर 3 पार्टनर्स, और उसके बाद हम प्रोजेक्ट के डिटेल्स के ऊपर आ जाएंगे। तो प्रपोज डेट ऑफ कम्प्लीशन, जो कम्प्लीशन डेट होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है एज पर रेरा, इट इज़ December 27। बट ये पूरे प्रोजेक्ट का कम्प्लीशन डेट है, यानी कि एमिनिटीज़ के साथ सब कुछ जो हैंडओवर बिल्डर आपको करेगा वो ये डेट है। अगर आप दूसरे टावर्स में बुक कर रहे हैं तो डिपेंड करता है कौन सा टावर कब लॉन्च हुआ है, और उसके हिसाब से आपको पोजीशन मिलेगा। जो डिटेल आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी वो आपको डेवलपर ही बताएगा। आगे की तरफ चलेंगे और आगे की तरफ आपको क्लियर कट दिखेगा कि ये चिंचवड़ का लैंड पार्सल है, चिंचवड़ की लोकेलिटी है। चिंचवड़ बोल करके आपको कोई एक्सटेंडेड लोकेलिटी में नहीं लिया लेके नहीं जाया जा रहा है। फिर उसके बाद प्रोजेक्ट के एरिया की बात करेंगे तो वो भी यहाँ पे क्लियर मेंशन है। कितने बिल्डिंग्स है, कितने विंग्स है, वो भी यहाँ पे क्लियर डेवलपर ने दिखाया हुआ है। अगर आपको FSI डिटेल समझ में आती है तो आप इसको रेफ़र कर सकते हैं, फ्यूचर आगे भी आपके काम आता रहेगा। अब प्रोजेक्ट डिटेल्स की तरफ चलेंगे तो प्रोजेक्ट डिटेल्स में क्लियर दिख रहा है कि कितने नंबर ऑफ़ कवर्ड पार्किंग है, नंबर ऑफ़ गैरेजेस कितने हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिखेगी। आगे चलेंगे डेवलपमेंट वर्क के ऊपर, तो क्या क्या डेवलपमेंट होना है और कितने परसेंटेज में होगा। बट अभी ये क्योंकि लॉन्च हुआ है तो ये अपडेटेड नहीं होगा। जैसे जैसे डेवलपर वर्क इन, जैसे जैसे डेवलपर काम बढ़ाता जाएगा, डेवलपर इसको अपडेट भी करता चला जाएगा। तो अगर आप बुकिंग कर रहे हैं तो आप इसको बार टाइम ऑन टाइम रेफर कर सकते हैं। तो क्लियर कट दिखेगा, यहाँ बिल्डिंग ए है और उसमें शॉप्स के ऑप्शन हैं 8 शॉप्स हैं। जो बी बिल्डिंग है उसमें आपके 4.5 BHK, 3 BHK के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। 3 BHK भी दो वेरिएशन का है। अभी परसेंटेज ऑफ वर्क पे वापस बात नहीं करेंगे क्योंकि जस्ट लॉन्च हुआ है जैसे मैंने आपको बताया था। फाइनली उसके बाद अब हम आगे बढ़ेंगे बिल्डिंग सी की तरफ। यहाँ पे 4 BHK, 4.5 BHK और दो वेरिएशन के अगेन 3 BHK हैं। और उसके बाद फर्दर आगे जाने के बाद प्रोफेशनल प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन, यानी कि कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है, कौन आर्किटेक्ट किन्होंने डिज़ाइन किया है, कौन इसके इंजीनियर है, कौन इनको एग्जीक्यूट करेगा, कौन इनका फाइनेंशियल एस्पेक्ट को चेक कर रहा है, तो वो सारी डिटेल आपको यहाँ मिल जाएगी। एंड उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटेल, दैट इज लिटिगेशन डिटेल। तो एज वी कैन सी नो रिकॉर्ड्स फाउंड, मतलब कि प्रोजेक्ट सेफ है इन्वेस्ट करने के लिए भी, और प्रोजेक्ट में आप कहते हैं मतलब बुकिंग भी कर सकते हैं, रहने के लिए भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि सबसे मेजर हर्डल जो होता है वो होता है लिटिगेशन का। उसके बाद अगर आपको लीगल टाइटल चेक करना है, बाकी के अप्रूव डॉक्यूमेंट चेक करने हैं, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा देखने को। आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं, फ्यूचर रेफरेंस के लिए संभाल के भी रख सकते हैं। तो ये सारी डिटेल समझने के बाद अब हम सीधे सैम्पल फ्लैट की तरफ चलते हैं और सैम्पल फ्लैट को समझ लेते हैं। सो प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन और रेरा समझने के बाद अब मैं सैम्पल फ्लैट दिखाऊंगा ही, सारे के सारे वेरिएशन का डिफरेंस भी बताऊंगा, यानी 4.5 BHK, 4 BHK एंड 3 BHK, तीनों का डिफरेंस भी इसी सैम्पल फ्लैट में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आपको एक बहुत अच्छा आइडिया भी लग जाएगा और बहुत क्लियर कट है, क्योंकि लेआउट तीनों के सेम है, बस जो चेंजेस आ रहे हैं चलो वीडियो के एंड में समझ लेना क्या। लेकिन सैम्पल फ्लैट के पहले मैं आपको सबसे पहले इधर का साइट एरिया दिखा देता हूँ। सो दिस इज़ अ लैंड पार्सल, और जैसा मैं प्रोजेक्ट में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो ABC टावर है बाकी तरफ से, यू नो उस तरफ का जो पूरा लैंड पार्सल है वो पूरा ओपन रहने वाला है। टाटा का लैंड है, वो भी मैं आपको प्रोजेक्ट में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बस एक बार दिखाना चाहता था। तो चलिए अब सैम्पल फ्लैट का टूर स्टार्ट करते हैं। सो ये आपका डोर ऐसे ही 8.5 feet का रहेगा, कम्स विद डिजिटल डोर लॉकिंग सिस्टम। वाइल यू एंटर यू गेट टू योर ग्रैंड लॉबी स्पेस, सेपरेट स्पेस है शुरैक के लिए, यू कैन यूटिलाइज इट द वे यू वॉन्ट। अंदर आने के पहले आपका एक डोमेस्टिक हेल्प रूम आ जाता है, कम्स विद अटैच बाथरूम। जस्ट हैव अ लुक एट दिस। इस रूम को और इस वॉशरूम को आप हटा दो तो आपका 1641 कार्पेट का एज इट इज 4 BHK रेडी हो जाएगा, यानी कि 4.5 और 4 BHK में सिर्फ उस रूम का डिफरेंस है। वो हटा दो 4 BHK, वो लगा दो 4.5 BHK। अंदर की तरफ आएंगे एंड आई वेलकम यू टू द ह्यूज ह्यूमंगस लिविंग एंड डाइनिंग स्पेस। 30x13 का साइज है, जस्ट हैव अ लुक। जो मैंने सबसे आखिरी भी कवर किया था वो 27x17 का था, दिस इज 30x13। अब बिग साइज ऑफ डाइनिंग टेबल, और ऐसा नहीं है कि यू नो कोई स्पेस का प्रॉब्लम है, जस्ट लुक एट दिस। आराम से मैं फ्री मूव कर सकता हूँ इस तरफ।
हैव अ लुक एट दिस अमेजिंग लिविंग एरिया। सिर्फ लिविंग बात करें तो 20x13 का साइज है, डाइनिंग 10x10 का ऑफ कोर्स साइज है, एंड यू नो द स्पेस इज जस्ट अमेजिंग। मतलब यू नो ऐसे फ्लैट कवर करने में मजा आता है जहाँ स्पेस का कमी ना हो, एंड आई एम वेरी श्योर इसलिए तो आप भी हमको फॉलो करते हैं कि मैं आपको ऐसे फ्लैट्स ला के दिखाता रहूँ। चलिए इस तरफ में आपका डेक एरिया आ जाता है, एंड ये पूरा ओपन हो सकता है 65%। सो जस्ट इमेजिन द काइंड ऑफ विंड दैट यू आर गोना गो, क्योंकि डाइनिंग के उस तरफ में आपका एक क्रॉस वेंटिलेशन के लिए विंडो है। लेट्स हैव अ लुक, एंड नाउ इमेजिन द स्पेस फ्रॉम दिस साइड टू दैट साइड। सरेश भाई आप इधर आइए तो हम पूरा स्पेस दिखा पाएंगे, एंड नाउ जस्ट हैव अ लुक एट दिस ह्यूमंगस साइज। अमेजिंग राइट? आपका बालकनी ऐसे ही कवर रहने वाला है, वुडन टेक्सचर टाइल्स नीचे मिलेंगी, इटालियन मार्बल आपका लिविंग और डाइनिंग में मिलेगा, ऐसे ही आपका पूरा कवर्ड रहेगा जैसे मैं बता चुका हूँ, और नीचे लगाने के बाद भी स्पेस का इस एरिया में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो अब अंदर की तरफ चलते हैं, किचन और बाकी एरियाज को एक्सप्लोर कर लेते हैं। लेट्स हैव अ क्विक लुक एट द किचन एरिया। सो ये आपका क्रॉस वेंटिलेशन के लिए, तो विंड फ्लो काफ़ी अमेजिंग रहेगा। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटेल, आपका जो 4 BHK और 4.5 BHK जो भी रहेंगे वो 3 साइड ओपन रहने वाले हैं, तो यानी कि आपका वेंटिलेशन और व्यू 3 साइड से अनब्लॉक्ड रहेगा। इस तरफ में आपका किचन आ जाता है। किचन छोटा नहीं है, ये डाइनिंग और लिविंग का साइज ही इतना बड़ा है कि ये छोटा लग रहा है, तो ये सामने से आपको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। वीडियो में आपको नहीं समझ में आएगा, वीडियो में छोटा ही लगेगा। ओके, डेवलपर ने इसको पूरा ओपन रखा है, चॉइस आपको दिया है। एल शेप का प्लेटफॉर्म चाहिए, कवर करना है, पैरेलल प्लेटफॉर्म का यूनिट बनाना है, चॉइस आपका है। किचन एक्चुअली बहुत बड़ा साइज का है, ऑलमोस्ट 14.5x8.5 का साइज है, तो सामने से आके एक्सपीरियंस करो। ओके, सो जैसा मैंने बोला कि आपको इटालियन मार्बल मिलेगा लिविंग एंड डाइनिंग में, और यहाँ पे आपका नॉर्मल विट्रीफाइड टाइल आ जाता है, तो टाइल्स का डिफरेंस भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ओके, जो आपका स्लैब है वो भी आपका सेम मटेरियल रहेगा, और बिल्डर ने काफ़ी अच्छे से डेमोन्स्ट्रेट किया है कि किस तरीके से कैबिनेट्स लगा के, ट्रॉलीज लगा के आप अपने किचन को यूटिलाइज कर सकते हैं। ओके, इस तरफ में आपका ड्राई एरिया आ जाता है, यहाँ पे ज़्यादा स्पेस वेस्ट नहीं किया हुआ है, बहुत बड़ा दे करके एक सेपरेट सिंक यहाँ पे दिया है। इस तरफ में आपका वॉशिंग मशीन का स्पेस दिया हुआ है, कम्स विद वाटर आउटलेट, इनलेट एज वेल एज प्लग पॉइंट्स। चलो अब अंदर की तरफ चलते हैं, एंड लेट मी शो यू द बेडरूम्स ऑफ द हाउस। सो नाउ दिस इज अ बटरफ्लाई काइंड ऑफ लेआउट, तो आपके जो बेडरूम्स हैं दो उस तरफ में रहेंगे, दो इस तरफ में रहेंगे, तो एक एक करके सबको कवर करते हैं। एक टाइनी सी डिटेल जो मैं भूल गया था, सो इंटायर हाउस में आपको टच पैनल्स मिलते हैं, होम ऑटोमेशन का सिस्टम मिलता है। चलो इस तरफ आते हैं, एंड दिस साइड यू हैव योर वॉशरूम फॉर योर गेस्ट। इसको पहले इसलिए कवर कर रहा हूँ ताकि आपको एक क्लैरिटी मिल जाए कि आपके गेस्ट को किसी भी बेडरूम में जाने की जरूरत नहीं है, वो इसको यूज़ कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। ओके, जो भी फिटिंग्स मिल रही है, सैनिटरी फिटिंग एंड सीपी फिटिंग्स, आपका कोलर ब्रांड का रहने वाला है। टाइल्स आपका देख लीजिए, ऑलमोस्ट सेम सिमिलर आपको मिलने वाला है। नीचे का आपका एंटी स्किड टाइल्स रहने वाला है, और ऊपर में फॉल सीलिंग बाय द डेवलपर। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द बेडरूम। 11.5x10.5 गेस्ट का बेडरूम है, डिसेंट साइज है। लुक एट द फर्नीचर, लुक एट द बेड, 2 feet ऑफ वार्डरोब स्पेस, स्टिल द स्पेस में कमी नहीं लग रही है। ओके, यहाँ पे विंडो एक्सप्लेन करना चाहूँगा ताकि बाद में एक्सप्लेन करने की जरूरत ना पड़े, बाकी रूम्स में एक्सप्लेन करने की जरूरत ना पड़े। वॉल टू वॉल आपको मिल रहा है ये विंडो, नीचे का पार्ट जो है फिक्स रहेगा फॉर बेटर लाइट इन द हाउस, एंड ऊपर का पार्ट आपका मूवेबल है विथ मॉस्किटो मैश, सो मॉस्किटोज का प्रॉब्लम ना हो, वेंटिलेशन का प्रॉब्लम ना हो, एंड व्यू का भी प्रॉब्लम ना हो, नहीं तो व्यू खराब हो जाता है ना। चलिए अब अंदर की तरफ चलते हैं, एंड इसके सेकेंड बेडरूम को देखते हैं, और फर्स्ट मास्टर बेडरूम को देखते हैं। सो ओके, उधर जाने के पहले इसका वॉक इन वार्डरोब देख लेते हैं। सो दिस इज योर वॉक इन वार्डरोब स्पेस, सो दिस इज योर वॉक इन वार्डरोब स्पेस, और इस तरफ में आपका वॉशरूम आ जाता है। सिर्फ अब मैंने स्पेसिफिकेशंस पहले एक्सप्लेन कर दिया, वापस एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप यहाँ का फ्लोरिंग और
वॉल के टाइल्स देखते जाइए, कलर ग्रेड टेक्सचर आपको क्या मिल रहा है वो चेक करते जाइए, बाकी सारी चीज़ें फिटिंग स्पेसिफिकेशन सब बता चुका हूँ तो वापस एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए लेट्स हैव अ लुक, लेट्स फाइनली हैव अ लुक एट द सेकंड बेडरूम और फर्स्ट मास्टर बेडरूम ऑफ द हाउस। 15.5x11 का साइज है एंड इट्स अ ह्यूज साइज, जस्ट हैव अ लुक। सो जैसा मैंने बोला था कि आपको दो मास्टर बेडरूम मिलेंगे, दो बड़े साइज वाले मिलेंगे। जस्ट हैव अ लुक एट दिस, एक्स्ट्रा फर्नीचर हैविली फर्निश किया हुआ है डेवलपर ने, जानबूझ के किया है रूम के स्पेस को दिखाने के लिए कि कम नहीं पड़ने वाला। जस्ट लुक एट दिस फर्नीचर, लुक एट दिस बिग साइज ऑफ किंग साइज ऑफ बेड, 2 feet ऑफ वार्डरोब, स्टिल द स्पेस इज जस्ट अमेजिंग। विंडो पहले मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, वापस एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, द व्यू इज गोना बी जस्ट अमेजिंग। चलिए अब जैसा आपने यहाँ पे देखा वैसा ही इसका मिरर इमेज है, बस रूम में थोड़े से चेंजेस आ जाते हैं। तो लेट्स हैव अ लुक एट योर सेकंड बेडरूम। थर्टीन बाई टेन एंड हाफ का साइज है, योर किड्स बेडरूम इज इक्वली गुड इनाफ और मास्टर बेडरूम का साइज है ये भी, बट इसको हम मास्टर बेडरूम भी बोलेंगे क्योंकि एक्चुअली दो मास्टर बेडरूम से वो छोटा है, तो इसलिए हम इसको मास्टर बेडरूम वन सेकेंड नहीं बोलने वाले हैं। ओके, दिस साइड यू हैव गॉट योर विंडो, दैट साइड यू हैव योर वॉशरूम। टाइल्स देख लीजिए, टेक्सचर्स देख लीजिए, कलर ग्रेड देख लीजिए, बाकी सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर चुका हूँ, वापस एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस क्या टाइल्स के कलर ग्रेडिंग और क्या मिल रहा है वो आपको बता देता हूँ। फाइनली हैव अ लुक एट मास्टर बेडरूम नंबर 2 और फोर्थ बेडरूम ऑफ द हाउस। अगेन कम्स विथ वॉक इन वार्डरोब एंड हैव अ लुक एट दिस स्पा लाइक बाथटब वाला वॉशरूम। दिस इज ह्यूज, आपका रेगुलर वॉशरूम यहां तक है, आपको एक बाथटब भी सेपरेट मिल रहा है विच इज जस्ट लवली, यूजली नहीं मिलता है, मैंने बहुत कम प्रोजेक्ट्स में देखा है, इस साइज में तो नहीं मिलता है, थोड़ा साइज बड़ा होता है, बट दे आर गिविंग इट टू यू एंड दिस इज अ वेरी गुड थिंग, अ वेरी गुड यूटिलाइजेशन बाय द डेवलपर। चलिए अब मास्टर बेडरूम का साइज देख लेते हैं, बेडरूम नंबर 2 या मास्टर बेडरूम नंबर 1 से ये बड़ा है साइज में, ये 16x11 का साइज है। जस्ट हैव अ लुक एट दिस ह्यूज साइज, यू नो, एक्स्ट्रा फर्नीचर, 2 feet ऑफ वार्डरोब, बिग साइज ऑफ किंग साइज ऑफ बेड, स्टिल द स्पेस इज जस्ट अमेजिंग। भाई सामने से आके एक्सपीरियंस करो, वीडियो में देखना अलग होता है, नहीं समझ में आ रहा है कॉन्टैक्ट करो, समझाएंगे अच्छे से। और फाइनली आपका अगेन 65% ओपन होता हुआ आपका एक्स्ट्रा सेकेंड बालकनी। सो यूजली बालकनी में कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, यू नो, बिल्डर जो है उधर कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज कर डालता है, यहाँ पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, बड़े साइज का है, अच्छा साइज है। एंड जस्ट इमेजिन द साइज फ्रॉम दैट साइड टू दिस साइड, ये रूम और भी बड़ा लगेगा, सामने से आके देखोगे तो समझोगे मेरी बात को। 4.5 और 4 BHK का डिफरेंस मैंने बता दिया, 3 BHK का डिफरेंस बता देता हूँ, तो जल्दी आज से आ जाओ फटाफट। ये रूम जो है ऑलमोस्ट सेम साइज का रहेगा, ये रूम ऑलमोस्ट सेम साइज का रहेगा, किड्स बेडरूम आपका सिमिलर साइज का रहेगा। सबसे पहले आपका वॉक इन वार्डरोब का स्पेस पूरा हट जाएगा, वॉक इन वार्डरोब आपको नहीं मिलने वाला है, तो किड्स बेडरूम मास्टर बेडरूम का साइज सेम रहेगा, वॉक इन वार्डरोब नहीं मिलेगा। लिविंग एंड डाइनिंग रूम, इधर पे चेंजेस बता देता हूँ लिविंग एंड डाइनिंग रूम में। सो आपका डाइनिंग रिमेन्स द सेम, आपका लिविंग रूम यहाँ पे फिनिश हो जाएगा, ऑलमोस्ट 2.5 feet जो है डिफरेंस है, तो आपका लिविंग रूम यहाँ पे फिनिश हो जाएगा, ये जो एग्जैक्ट स्पेस देख रहे हो यहाँ पे आपका, फिर भी आपको स्पेस कम नहीं पड़ने वाला है। 27x11 का साइज रहेगा, 27x11 का साइज रहेगा, यहाँ पे 30x13 का साइज है, तो स्पेस कम नहीं पड़ेगा 3 BHK वालों को भी। एंड फाइनली द लास्ट डिफरेंस बिटवीन अ 4 BHK एंड 3 BHK इज दैट, कि जो फर्स्ट मास्टर बेडरूम देखा था 15x11 का, वो पूरा का पूरा हट जाएगा विद वॉशरूम, तो आपका 3 BHK एज इट इज हो जाएगा, तो भी स्पेस का कोई कमी आई डोंट थिंक सो लग रहा होगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आया है तो सामने से आ जाओ, अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे, ऑन पेपर फ्लोर प्लान दिखा करके आपको अच्छे से हम एक्सप्लेन करेंगे। वीडियो पसंद आता है लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, कोई PCMC में रहना चाहता है, पिंपरी चिंचवड़ आकुड़ी रावत के आसपास के एरियाज को टारगेट कर रहे हैं, निगड़ी के आसपास के एरिया में रहना चाहता है, ये प्रोजेक्ट उनको बताया जा सकता है। जैसा मैंने पहले बताया था,
चिंचवड़ स्टेशन से 5 मिनट्स के डिस्टेंस पे है। उस तरफ थोड़ा आगे जाओगे मेन आकोडी आ जाएगा, 300 मीटर्स आगे जाने के बाद ओल्ड मुंबई पुणा हाईवे आ जाएगा। प्रोडक्ट तो गजब था, यूटिलाइजेशन सुपर थी। 3 BHK 4 BHK में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 4 BHK 4.5 BHK में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है मेरे ओपिनियन में। मेरा ओपिनियन है, बहुत टाइम से मैंने एक अपना ओपिनियन नहीं दिया है, बट मुझे बहुत अच्छा लगता है जब 1700-1600 के कारपेट में ऐसे यूटिलाइजेशन और इतने बड़े रूम साइजेस निकलते हैं। तो दिस इज़ अ वेरी गुड प्रोडक्ट टू बाय, पसंद आ रहा है कॉन्टैक्ट कर लो, आपके किसी रिक्वायर्ड, आपके सर्किल में किसी को रिक्वायर्ड है उसको ये फॉरवर्ड करके हमसे कॉन्टैक्ट करवा दो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।